नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका द अनसेड वर्स एवं मुखावरण थिएटर ग्रुप द्वारा रचित इस कथा श्रृंखला में। आज हम बात करेंगे हस्तिनापुर के नरेश धृतराष्ट्र के विषय में। हम जानेंगे उनके नेत्रहीन होने का कारण और क्यों 100 बलशाली पुत्रों के होते हुए भी उनका संपूर्ण जीवन केवल अंधकार में व्यतीत हुआ। धृतराष्ट्र का महाभारत में अपना अलग महत्व है। इन्हें कुरुक्षेत्र युद्ध के आरंभ, मध्य और अंत का अभिन्न अंग माना जाता है। इतिहास के सबसे रोचक महासंग्राम जिन पात्रों के चक्कर काटता है, उनमें सबसे महत्वपूर्ण पात्र धृतराष्ट्र ही है। कई वर्षों पूर्व हंस नाम का एक राजा था। एक दिन उसने एक झील के पास किसी पक्षी को देखा जिसके साथ उसकी 100 संतानें भी थीं। हंस के मन में उन सभी पक्षियों को कष्ट पहुंचाने की तीव्र इच्छा हुई। उसने अपने सभी सैनिकों को उस प्रौढ़ पक्षी को नेत्रहीन करने का आदेश दिया। साथ ही उन सैनिकों से यह भी कहा गया कि उस पक्षी के सभी बच्चों को निर्दयता से मार दिया जाए। इन सभी गतिविधियों का केवल एक उद्देश्य था और वो था उस राजा का मनोरंजन। परंतु कर्म और फल का चक्र सदैव घूमता है। राजा हंस को परमपिता ब्रह्मा जी ने शाप दिया कि 50 जन्मों के पश्चात वो एक अंधे मनुष्य के रूप में जन्म लेगा जिसके 100 पुत्र होंगे। जिस प्रकार उसने एक निर्दोष पक्षी के 100 बच्चों की हत्या की, ठीक उसी प्रकार उसके सभी 100 पुत्र निर्मम मृत्युओं को प्राप्त होंगे। राजा हंस ने दुखी होकर ब्रह्मा जी से क्षमा मांगी, परंतु ये प्रश्न भी किया कि इस पाप के दंड हेतु 50 जन्मों का मध्यांतर क्यों। इस पर ब्रह्मा जी ने बताया कि 100 पुत्रों को पाना एक ऐसा वरदान है जिसके लिए किए गए पुण्य और तप एक जन्म में नहीं समा सकते। इसी कारण हंस की आत्मा को किसी न किसी रूप में 50 बार जन्म लेना पड़ा। अंततः वो एक अंधे शिशु के रूप में हस्तिनापुर राजमहल में जन्मा। यही शिशु धृतराष्ट्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसने समय आने पर गांधार राज्य की राजकुमारी गांधारी से विवाह किया। दोनों हस्तिनापुर के राजा एवं रानी बने। इस दंपत्ति को 100 पुत्र प्राप्त हुए जिनको कौरवों के नाम से जाना जाने लगा। हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र की अनिश्चितता, उच्च महत्वाकांक्षाएं, पुत्र मोह और मानसिक नेत्रहीनता के कारण ही संसार के सबसे भीषण 18 दिन कुरुक्षेत्र युद्ध के रूप में सामने आए। ब्रह्मा जी के कथनानुसार इसी युद्ध में एक एक कर सभी कौरव वीरगति को प्राप्त हुए। राजा हंस द्वारा किए गए कुकर्मों का फल धृतराष्ट्र ने लगभग द्वापर युग के अंत तक चुकाया। युद्ध के पश्चात अपना शेष जीवन धृतराष्ट्र ने लज्जा और दुख के अंधकार में बिताया। उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी आत्मा को ब्रह्मा जी के शाप से मुक्ति मिल गई। मित्रों, यदि आपको यह चलचित्र अच्छा लगा हो तो कृपया इसे पसंद एवं साझा करें। हमारे चैनल की सदस्यता लेना और घंटी के चित्र पर बाण चलाना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।